स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, दिस इज महेन पांडे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल केसीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो जर्नल एंट्रीज इन टैली देखा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पीछे का सारा कुछ तैयार कर लिया होगा। जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो उसे जरूर देख लें, क्योंकि अगर पीछे की वीडियो आपने देख रखी है तभी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज मेरे टैली ऑनलाइन का 4 डे क्लास है डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंपनी क्रिएशन इन टैली, टैली में कंपनी बनाना। तो टैली पार्ट ऑफ विंडो, टैली विंडो के भाग। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग को टैली के बारे में अच्छा नॉलेज हो पावे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप, बिकॉज आज की क्लास बहुत ही खास है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपने हम कंप्यूटर पे ले चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं हम टैली को इंस्टॉल कैसे करेंगे। टैली सेटअप का शॉर्टकट रखा हुआ है, इस पर हम डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करेंगे। चाहे हम राइट क्लिक करके ओपन करें या डबल क्लिक करके हम इंस्टॉल करें, यही डबल क्लिक हम कर देते हैं। मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है, बट आप लोगों को हमें बताना है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं आपको डीपली बताऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं tally.erp9 का इंस्टॉलर आ गया है। नीचे यहाँ इंस्टॉल लिखा है, जो कि रिलीज tally.erp9 सीरीज ए सीरीज का 6.6 लेटेस्ट वर्जन है। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होकर के मेरा प्रोग्राम कहाँ जाता है, टैली सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल होता है, सी में प्रोग्राम फाइल में tally.erp9 का फोल्डर होता है, जिसके अंतर्गत जाकर के हमारा सॉफ्टवेयर स्टोर हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे इंस्टॉलिंग स्टार्ट है। इंस्टॉलिंग tally.erp9 सीरीज ए रिलीज 6.6 32 बिट। देखिए 32 बिट और 64 बिट के अलग अलग सिस्टम होते हैं, उस पर आप उसी हिसाब से जो आपका जिस बिट जितने बिट का सिस्टम होगा उस पर आप वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट है। आप देखेंगे नीचे लिखा है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 1988-2020, ये लेटेस्ट वर्जन है। 1988 में इन्वेंशन हुआ है टैली का और 2020 चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेटेस्ट वर्जन है, टैली को हम इंस्टॉल करेंगे। टैली बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क के मेन पार्टीशन में जिसमें विंडोज इंस्टॉल्ड होता है, वहां जाकर के उसके प्रोग्राम फाइल में आपका टैली जाकर के स्टोर्ड हो जाता है। टैली अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक टैली लॉन्च हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं और बता दूं, अभी टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जाने के बाद, इंस्टॉल हो जाएगा जैसे ही, तो हमारे पास टैली का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। डायरेक्ट भी ओपन होता है, या डायरेक्ट ना अगर हम ओपन करना चाहें तो इसका इंस्टॉलेशन हम चलने देंगे। हम यहां से टैली को ओपन कर ले रहे हैं, tally.erp9 जो मेरे पास पहले से अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, टैली सॉफ्टवेयर को हम यहां से ओपन करेंगे, डबल क्लिक करिए, चाहे आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये करने पर टैली सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, ये इसका प्रोडक्ट नेम है tally.erp9। स्टार्टअप आ गया आपके सामने, जो मैं बता रहा था। लाइसेंसिंग ऑपरेशंस, एक्टिवेट योर लाइसेंस, अल्ट भी शॉर्टकट है इसका, सॉरी अल्ट ए है एक्टिवेट योर लाइसेंस का शॉर्टकट, अल्ट भी है रीएक्टिवेट योर एग्जिटिंग लाइसेंस। एग्जिटिंग लाइसेंस का मतलब क्या है, जैसे पहले से आप लाइसेंस ले रखे हैं, आपको रिन्यू करना है, या आपने सिस्टम को फॉर्मेट किया दोबारा आप डाल रहे हो, तो रीएक्टिवेशन के लिए आप यहाँ से वही काम कर सकते हैं। गेट अ रेंटल, अगर आप किराए पर लेना चाहते हैं तो अल्ट आई शॉर्टकट है इसका। डियर स्टूडेंट्स, रेंटल आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्फिगर एग्जिटिंग लाइसेंस, अपने लाइसेंस को हम फिर से कॉन्फिगर करना चाहते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने डाल रखी हैं उसे हम कॉन्फिगर करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया आपको लॉग इन एज अ रिमोट यूज़र, तो यहाँ से हम रिमोट यूज़र करके एक साथ कई सारी ब्रांचेस पर वर्क कर सकते हैं। इसके बाद है वर्क इन एजुकेशनल मोड, यहाँ से हम एजुकेशनल मोड पर वर्क करते हैं। एंड अल्ट क्यू, डायरेक्टली हमें क्विट करना है इसे, तो हम क्विट करके बाहर जा सकते हैं। जैसे यहाँ हम अल्ट क्यू कर दें तो हमारी कंपनी डायरेक्टली, देखिए टैली डायरेक्ट क्लोज नहीं होता है, यहाँ क्रॉस से जाकर के हम टैली को क्लोज नहीं कर सकते हैं,
टैली को अगर हमें क्लोज करना है तो एस्केप प्लस एंटर, एस्केप के साथ एंटर करना है। अभी आप पूछ रहा है क्विट करना चाहते हैं तो यस करें, आप नो, अगर नहीं क्विट करना चाह रहे हैं तो नो कर दें, बट हमें क्विट करना है हम यस कर देंगे। आप देख पा रहे हैं इंस्टॉलेशन भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, हम यहाँ से डन कर देते हैं। डन करते ही हमारा टैली लॉन्च हो जाएगा, चाहे हम यहाँ जाकर के ओपन करें चाहे डायरेक्टली देख पा रहे हैं आप। पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली डॉट ईआरपी 9 आपके सामने ओपन होकर के आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लाइसेंस वर्जन है, यहाँ पर आपका स्टार्टअप नहीं मांगा, ये डायरेक्ट ही ओपन होकर के आ गया। हम इसमें अभी कंपनी एक सेलेक्ट है पहले से, हम इसको हटा देते हैं, सर्ट कर देते हैं, क्योंकि जब डेटा डायरेक्टरी में कोई भी कंपनी सेलेक्ट नहीं रहती है, कोई भी कंपनी नहीं बनी होती है, तो आपके गेटवे ऑफ टैली का ये व्यू आता है। कहने का मतलब कंपनी इन्फो खुल करके आता है। डियर स्टूडेंट्स, गेटवे ऑफ टैली में कंपनी इन्फो, जब डेटा डायरेक्टरी में, डेटा डायरेक्टरी क्या है, डॉट टैली डॉट ईआरपी 9 का जो फोल्डर सी ड्राइव में बनता है उसके अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर होता है या डायरेक्टरी होती है, जहां पर हमारी कंपनियां जाकर के जो हम बनाते हैं वो सेव हो जाती हैं। तो यदि डेटा डायरेक्टरी में कोई भी कंपनी पहले से सेव नहीं है तो हमारे टैली में, टैली हम पहली बार इंस्टॉल करके ओपन कर रहे हैं, तो यही व्यू आपके सामने आने वाला है कंपनी इन्फो, जिसमें ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट। आप आगे देखेंगे कंपनी इन्फो में ही ऑप्शंस बढ़ जाएंगे यदि आपके पास सेलेक्टेड कंपनी दिख रही है तो। तो ये हमारा टैली का व्यू है, फर्स्ट व्यू कह सकते हो आप। यहां सबसे ऊपर टाइटल बार है, टाइटल बार है, टाइटल बार को पहचानने का तरीका होता है डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट कॉर्नर पे प्रोडक्ट नेम होता है, जैसे टैली सॉफ्टवेयर का नेम है, उसका आइकन भी बना हुआ है। यही हम अल्ट के साथ स्पेस बार करते हैं तो कंट्रोल मेनू बॉक्स खुल करके आता है, बट इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें क्लोज का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हम टैली को डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें टैली को क्लोज करना है तो हम स्टेप करके बैक आते हैं, एस्केप एस्केप करते हुए हम मेन विंडो पर आते हैं, फिर वहां से एस्केप करके फिर हम एंटर करते हैं। जैसे हम किसी भी मॉल में जाते हैं, उसमें एंटर कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, काफी अंदर चले जाते हैं, तो डायरेक्ट हम वहीं एग्जिट नहीं कर पाते, हमको स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा, लास्ट में जहां निकास द्वार होगा, जहां एग्जिट पॉइंट होगा, वहां से हमें एग्जिट करना होगा। ठीक उसी तरीके से टैली में ये कंट्रोल मेनू बॉक्स है, यहां पर भी आपका क्लोज का ऑप्शन नहीं है, और आप राइट कॉर्नर पे भी देखेंगे तो ये क्लोज जो क्रॉस का ऑप्शन बना हुआ है क्लोज का, ये हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि यहां से हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते हैं। तो टाइटल बार को पहचानने का तरीका होता है लेफ्ट कॉर्नर पे आपका कंट्रोल मेनू बॉक्स और डॉक्यूमेंट नेम या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसका नेम, और राइट कॉर्नर पे कंट्रोल टूल्स होते हैं। कंट्रोल टूल्स क्या है, जिससे हम इस विंडो पर कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। तो क्लोज तो यहाँ काम ही नहीं करना है आपका, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर काम करेगा डियर स्टूडेंट्स। उसके जस्ट नीचे है आपका कमांड बटन, ये हॉरिजॉन्टल कमांड बटन्स हैं, ये कमांड बटन बार क्या कह सकते हैं आप इसको, हॉरिजॉन्टली बटन बार है, क्योंकि ये जो शॉर्टकट्स हैं, बटन्स हैं, कमांड बटन्स हैं, ये चेंज नहीं होती, बट साइड में, राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे ये आपका है बटन बार। आपको मैं इंडिकेशन माउस पॉइंटर से दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो माउस पॉइंटर को आप ध्यान में देंगे तभी समझ पाएंगे। देख पा रहे होंगे एरो बना हुआ है, इस एरो से मैं बता रहा हूँ, ये आप राइट कॉर्नर पे देख रहे हैं एक बटन बार है, पूरा राइट साइड में बटन बार है। यहाँ वो शॉर्टकट्स आते हैं जो आपकी एक्टिव विंडो होती है उससे रिलेटेड जो शॉर्टकट्स होते हैं वही यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो अभी मैं बता रहा था टाइटल बार, उसके जस्ट नीचे एक हॉरिजॉन्टल कमांड बटन, या इसको हॉरिजॉन्टल बटन बार भी कह सकते हैं। उसके नीचे आपका गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली का मेन मेन्यू है ये, मतलब मेन विंडो है गेटवे ऑफ टैली का। मेन मेन्यू तो हम नहीं कह सकते क्योंकि मेन मेन्यू तो होता है अभी इसके आगे जो हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली का मेन मेन्यू जो आता है उसमें आपको मास्टर, ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटीज एंड रिपोर्ट ऑप्शन के अंतर्गत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ डेयर स्टूडेंट्स गेटवे ऑफ टैली में हम हैं कंपनी इन्फो पर, और आप देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली को टू पार्ट में डिवाइड किया गया होता है, एक तरफ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज और एक साइड में आपका कंपनी इन्फो शो कर रहा है। गेटवे ऑफ टैली को एक्टिव करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एम होता है। इसके बाद हम नीचे देखेंगे, साइड में हमने बता ही दिया आपको कि साइड, राइट साइड में बटन बार है। F12 ही अभी केवल एक्टिवेट है क्योंकि F12 से टैली की सेटिंग को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ से नीचे हम देखेंगे, इधर आपका प्रोडक्ट नेम टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली डॉट ERP 9, उसके बाद आपका वर्जन एंड अपडेट्स है,
जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी। यहाँ सीरीज है रिलीज जो 6.6 लेटेस्ट वर्जन जो हम यूज कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं लाइसेंस वर्जन है लाइसेंस एंड सर्विसेज में, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल है, इससे हम इसको ओपन कर सकते हैं इसका डिटेल लेने के लिए। यहाँ सीरियल नंबर दिखा रहा है, वैलिड डेट दिखा रहा है और आपका यहाँ पर अकाउंट आईडी दिखा रहा है। ये कॉन्फ़िगरेशन है गेटवे जो आपका है, गेटवे डेस्कटॉप करके है, ओडीबीसी सर्वर पर ये चलता है। लास्ट में आपका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को कंट्रोल प्लस एन करके हम ओपन कर सकते हैं। अगर हमें इसमें कुछ भी कैलकुलेट करना है, कोई भी जोड़ना या मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन या एडिशन कुछ भी करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो हम यहाँ पर जाकर के कैलकुलेटर को एक्टिव कर लेते हैं कंट्रोल प्लस एन करके, ऐसे ही ऐसे एक्टिव कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर काम करते हैं। हमें इसको एक्टिवेट करना है तो कंट्रोल प्लस एम कर देंगे, जिससे हमारा गेटवे ऑफ टैली एक्टिवेट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नीचे आप देख पा रहे होंगे स्टेटस बार, जिसमें टैली मेन उसके आगे लिखा हुआ है एरो करके कंपनी इन्फो, यहाँ से हमें ये बताता है, ये स्टेटस बताता है कि हम किस जगह पर हैं टैली में, हम किस ऑप्शन पर हैं। तो मेन टैली में हम कंपनी इन्फो पर वर्क कर रहे हैं। आप राइट में आ जाएंगे, यहाँ कर्सर जैसे ही लाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि टैली जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया वो है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसका पुराना नाम पिट्रोनिक प्राइवेट था, बट अब इसे टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 1999 से इसे हम टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इसका जो पीरियड है आप देख पा रहे होंगे 1988 टू 2020, मतलब जब से स्टार्ट हुआ, इन्वेंशन हुआ 1988 में और 2020 चल रहा है, इसके बीच में सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ये कंप्लीट पीरियड शो कर रहा है। उसके बाद आपका डेट है, टाइम है और आपका डे है, डे भी शो कर रहा है। सबसे नीचे टास्क बार होता है, मैक्सिमाइज, अगर हम चाहें तो टास्क बार को यहाँ से हटा भी सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम टास्क बार को हाइड कर देंगे तो पूरी टैली पूरे स्क्रीन पर आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पर डेट और टाइम भी शो होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले से मेरी टैली में कंपनी बनी हुई है, हम एक बार कंपनी को सेलेक्ट करके देख लेते हैं, हालांकि हमें क्रिएट कंपनी बताना आप लोगों को, तो कंपनी हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं, एक कोई कंपनी हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद हम सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको गेटवे ऑफ टैली का मेन मेन्यू दिखाना चाहते हैं। एक बार मैं फिर से पार्ट ऑफ विंडो पर आ रहा हूँ, सबसे ऊपर टाइटल बार है, टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर पे आपका कंट्रोल मेनू बॉक्स एंड सॉफ्टवेयर का जो आपका डॉक्यूमेंट नेम है, एप्लीकेशन का नेम है, और राइट कॉर्नर पे कंट्रोल टूल्स एंड डियर स्टूडेंट्स, उसके जस्ट नीचे आपके कमांड बटन बार है, इस पे कमांड्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आपका गेटवे ऑफ टैली का मेन मेन्यू आ जाता है, एक साइड इसमें टू पार्ट में डिवाइड होता है, एक साइड में लिस्ट ऑफ कंपनी डिटेल होता है, जिसमें करेंट पीरियड, करेंट डेट, करेंट पीरियड क्या होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम काम कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल ईयर आप जान रहे होंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। करेंट डेट, किस डेट से हमारा कंपनी का जो बुक कीपिंग हम कर रहे हैं, किस दिन से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, वो डे होता है। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज में नेम ऑफ कंपनी इधर होगी, और इधर जो लास्ट एंट्री डेट है वो डेट दिखा रहा है। हम गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू की जो बात कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, ये है गेटवे ऑफ टैली का मेन मेन्यू। इसमें मास्टर्स हैं, ट्रांजेक्शन्स है, यूटिलिटीज़ है, रिपोर्ट्स है, इसके अंतर्गत ही हमें वर्क करना है। आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में बटन बार है, बटन बार पे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। मैंने बताया जो एक्टिव विंडो होता है उसी के साथ उसी से रिलेटेड शॉर्टकट्स, इसमें शॉर्टकट्स चेंज होते रहते हैं, तो जो एक्टिव विंडो होगा उसी के शॉर्टकट्स यहाँ पर शो करते रहेंगे। कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो हर जगह पर वही होते हैं। नीचे हमने बताया आपको प्रोडक्ट नेम, वर्जन, अपडेट चेक करना है, लाइसेंस सर्विसेज देखना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है, और यहाँ पर कैलकुलेटर है, उसके नीचे स्टेटस बार है डियर स्टूडेंट्स, और सबसे नीचे आपका टास्क बार है। अब हम बैक करके आते हैं, या फिर हमें कंपनी इन्फो पर डायरेक्ट जाना है तो हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं अल्ट प्लस F3, तो हम डायरेक्टली कंपनी इन्फो पर आएंगे कि सबसे ऊपर टाइटल बार है, कमांड बटन है, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ हम लोगों को पार्ट ऑफ विंडो, तो मैं डायरेक्टली कंपनी इन्फो पर ही आ जाता हूँ। आप देखें गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत कंपनी इन्फो ओपन है, आपको मैंने बताया था स्टेटस बार पे सब बताता है, यहाँ लिखा हुआ है टैली मेन, गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो, मतलब मेन टैली में हम गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत कंपनी इन्फो पर हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अब आप देख पा रहे होंगे कंपनी इन्फो में ऑप्शंस बढ़ गए हैं,
मैंने बताया था आपको कि जब डेटा डायरेक्टरी में कोई भी कंपनी नहीं होती है तो वही ऑप्शन होते हैं जो स्टार्टिंग में हमें ज़रूरत होता है, जैसे सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, लॉग इन रिमोट कंपनी, बैकअप कंपनी, रिस्टोर कंपनी एंड क्विट, इतने ऑप्शन होते थे। बट यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑप्शंस बढ़ गए हैं, सेलेक्ट कंपनी है, कनेक्ट कंपनी है, कनेक्टिविटी स्टेटस है, सर्ट कंपनी है, क्रिएट कंपनी है, क्रिएट ग्रुप कंपनी है, अल्टर है, चेंज वर्ल्ड, टैली वर्ल्ड है, स्प्लिट कंपनी डेटा है, बैकअप है, रिस्टोर है एंड क्विट है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपनी इन्फो में हम सबसे फर्स्ट सर्ट करके कंपनी को हटा देते हैं जो पहले से बनी हुई है, शॉर्टकट है अल्ट प्लस F1, आप देख पा रहे होंगे। हम यहाँ पर चलते हैं क्रिएट कंपनी, हम एरो कीज से नीचे जाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जब हम सिलेक्शन लेते हैं किसी भी ऑप्शन का तो उसमें एक कैरेक्टर रेड दिख रहा है, रेड कैरेक्टर जो है आपका वो शॉर्टकट है, डायरेक्टली हमें कुछ भी ओपन करना है इसमें से, जैसे सेलेक्ट कंपनी करना है तो यस प्रेस कर दें, क्रिएट कंपनी पे जाना है तो सी डायरेक्ट प्रेस कर दें, हमारी क्रिएट कंपनी ओपन होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी को ओपन करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कंपनी क्रिएशन की विंडो पर, कंपनी बनाना हम यहाँ से सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही केयरफुली आप लोग इसको देखिएगा, अगर आप लोग केयरफुली इसको देख ले रहे हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी डियर स्टूडेंट्स, आप कंप्लीटली आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहां सबसे ऊपर टाइटल बार है, उसके बाद कमांड बटन बार है, राइट साइड में बटन बार है, और ये जहां गेटवे ऑफ टैली लिखा रहता था वहां पर लिखा है कंपनी क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन में नीचे ऑप्शंस हैं, मैं उसको एक एक करके डिस्क्राइब करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अभी आप पढ़ाई करते टाइम में आप पढ़ लें, बाद में वीडियो को पॉज करके आप सारा नोट डाउन कर लीजिएगा। कंपनी क्रिएशन, कंपनी क्रिएशन में सबसे फर्स्ट है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मीन्स होता है फोल्डर, फोल्डर फाइल फोल्डर में ही कंप्लीट जो कंप्यूटर में हम व्यवस्थित करते हैं, अरेंजमेंट किसी का करते हैं, जो डेटा को अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, उसमें दो ही चीज़ है, एक फाइल और फोल्डर, तो डायरेक्टरी को हम फोल्डर कहते हैं। ये एक लोकेशन उसका बता रहा है कहाँ पर मेरी जो कंपनी बनाएंगे हम अभी वो कंपनी कहाँ पर जा करके सेव होगी। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड कर रहे हैं वो सी ड्राइव में जाता है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है C:\ है users/public/tally.erp9/data, इसका मतलब क्या है, सी ड्राइव है, उसके अंतर्गत यूजर नाम का एक फोल्डर है या डायरेक्टरी आप कह सकते हैं, उसके अंदर एक पब्लिक नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंतर्गत एक tally.erp9 नाम का डायरेक्टरी है, उसके अंतर्गत डेटा नाम की डायरेक्टरी है। अभी हम आपसे बोल रहे थे कंपनी डेटा डायरेक्टरी में सेव होगी, तो डेटा जो डायरेक्टरी है, डेटा नाम का जो फोल्डर है, इसके अंतर्गत जो हम कंपनी बनाएंगे वो उसमें जाकर के सुरक्षित हो जाएगी। अब हम यहाँ लिखते हैं कंपनी नेम, जैसे हमने लिख दिया KCI एंड कंपनी, ये मैंने नेम डाल दिया। इसके जस्ट नीचे है यहां पर नेम में हम कंपनी का नाम जो भी नेम हो सकता है, एज एग्जांपल मैंने डाल दिया है। इसके नीचे आपका है प्राइमरी मेलिंग डिटेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, यहां जो हम डिटेल डालेंगे प्राइमरी मेलिंग डिटेल में, आप जब बिल कोई प्रिंट करेंगे तो वो चीज यहां से जो यहां हम डाल के रखेंगे वो बिल पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। मेलिंग नेम में हम कंपनी का ही नाम रखते हैं या ज़्यादातर कंपनी का ही नाम होता है, क्योंकि जो भी कंपनी है हम लेन देन कंपनी के नाम से ही करते हैं। उसके जस्ट नीचे है आपका, अगर हम चेंज करना चाहते हैं नाम तो आप बदल सकते हैं, बट यहाँ हम कंपनी का नेम ही रहने देते हैं। एंटर करके आते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं अयोध्या डाल दिया हमने। हम नीचे यहाँ आते हैं, यहाँ अपने प्रदेश का नाम मैंने यूपी डाल दिया, जबकि अभी नीचे ऑप्शंस मिलेगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पिन कोड भी डाल सकते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अगर हम अपना मोबाइल नंबर बिल में प्रिंट कराना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर हम यहाँ डाल देंगे।
मोबाइल नंबर डाल दिया, एंटर करके हम आ जाते हैं। अभी हम और डिटेल भी डालना चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं। ये प्राइमरी मेलिंग डिटेल में हम मेलिंग नेम, जिससे हम पत्र व्यवहार करते हैं वो नेम डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे, यहाँ हम पिन कोड वगैरह भी अगर अपने बिल में प्रिंट कराना चाहते हैं तो डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब हम नीचे आते हैं कंट्री। यहाँ डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि टैली जो है 100 से अब कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। हम यहाँ से, हम किस कंट्री में हैं, इंडिया, तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ और, अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ बेस करेंसी सिंबल, यहाँ बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन में अभी जो यूके सेट था तो उसका यहाँ पर करेंसी शो कर रहा। जैसे हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इंडिया की जो करेंसी है वो शो होकर के आ जाएगी। रुपीज़ का सिंबल आपके सामने आ गया, आप देख पा रहे होंगे बेस ऑन करेंसी सिंबल में। इसके बाद हम यहाँ पर स्टेट का चुनाव करेंगे, स्टेट में यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ से हमने उत्तर प्रदेश चुन लिया। पिन कोड में हम अपना पिन कोड डाल देंगे, पिन कोड डाल दिया डियर स्टूडेंट्स। नीचे आ जाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल। अब अपना कॉन्टैक्ट, जिससे कोई भी हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर पाए, संपर्क कर पाए, उसके लिए अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देते हैं। फ़ोन नंबर है तो डाल देंगे आप, मोबाइल नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया डियर स्टूडेंट्स। फैक्स नंबर अवेलेबल है तो डाल दें, ईमेल डाल दें, ईमेल आईडी डाल दें, वेबसाइट डाल दें डियर स्टूडेंट्स, वेबसाइट अवेलेबल है तो वेबसाइट डाल दें। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे। सबसे ऊपर मैंने प्राइमरी मेलिंग डिटेल डाला, अब मैं कॉन्टैक्ट डिटेल डाल रहा हूँ। यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट करने के बाद हम बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स पर आ जाएंगे। मतलब मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है कब से स्टार्ट हो रहा है, अब हम किस फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं, 1 अप्रैल 2020। तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट पीरियड है वो क्या होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमने फाइनेंशियल ईयर में 1/4/2020 डाल दिया अपना, 1/4 डाल दिया 2020, मतलब 1 अप्रैल 2020। बुक बिगनिंग फ्रॉम, हम आज 30 है, हम क्या करते हैं, हम 1 जून से मान लीजिए बुक बिगनिंग कर रहे हैं। कंपनी फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में चल रहा है, बट बुक बिगनिंग हम 1 जून से कर रहे हैं। तो यहाँ डेट हम चेंज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, बट फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आप काम कर रहे हो वही डेट आपको रखना है। तो ये है आपका बुक एंड फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड बुक बिगनिंग, बुक कब से आप, बुक कीपिंग कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप। इसके बाद ये है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल की ज़रूरत होती है जब अपने आप कंपनी को सिक्योर करना चाहते हैं, आप किसी का डिस्टर्बेंस इसमें नहीं चाहते हैं, कोई भी आपकी कंपनी में कोई भी इंटरफेयर ना कर पावे, तो आप यहाँ एक पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। टैली बिल्ड पासवर्ड, कोई भी आप पासवर्ड दे सकते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 4 दे दिया, कम से कम 3 4 रखते हैं। उसके बाद हम इसको रिपीट करते हैं, 1 2 3 4 एंटर कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे एक वार्निंग लिखी है, फॉरगेटिंग टैली बिल्ड पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनक्रेडिबल। यदि आप अपने टैली बिल्ड पासवर्ड को भूल जाते हैं, किसी तरीके से आपको रिमाइंड नहीं रह जाता है, तो आपका डेटा इनक्रेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है, जिसे आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो आप इसको कहीं नोट डाउन कर लें, यदि आप सिक्योरिटी कंट्रोल लगा रहे हैं तो आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लें। अगर हाई सिक्योरिटी आप लगाना चाहते हैं तो आप यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल में, अगर आप इसको भी लगा देंगे, यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करके अगर कर देंगे, तो जब कंपनी आपकी लिस्ट, कंपनी लिस्ट खुलेगा, सेलेक्ट कंपनी में आप जाएंगे तो आपको कंपनी के नंबर से पहचानना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का नेम वहाँ शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम यस कर लेते हैं। अब यस करते ही यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर नेम पूछ रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटर नेम में हमने KCI डाल दिया। पासवर्ड में हम डियर स्टूडेंट्स सेम पासवर्ड भी डाल सकते हैं, नहीं तो हम चेंज करके डाल दें, हम 1 2 3 4 5 बढ़ा दिए, 5 तक कर दिए, वही रिपीट करके 1 2 3 4 5 कर दिया मैंने। एंटर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जबकि ये आप देखें फिर से एक वार्निंग दे दिया टैली, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनक्रेडिबल।
अगर आप फॉरगेट कर रहे हो, अगर आप भूल जा रहे हो पासवर्ड, अगर आप भूल जा रहे हैं तो आपका डाटा खराब हो जाएगा। आपको कई बार ये वार्न कर रहा है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। आप ये नोट कर लेंगे तो फिर आपको जब आप कहीं मिस हो रहा है तो आप उसको वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी आप तभी डालें जब आप उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करें, नहीं तो आपका सारा डेटा खराब हो जाएगा, आप उसको फिर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। टैली वर्ल्ड पासवर्ड को तो आप बदल भी सकते हो, बट जो हाई सिक्योरिटी आप लगा दोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर आप उसको भूल जाते हैं तो। अब एंटर करके आते हैं, ऑडिट फीचर को हम यहाँ नो रखेंगे और एजुकेशनल डिसअलाउड नहीं करेंगे, तो यहाँ से हम यहाँ पर इसको दोनों पे आ जाते हैं। बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन पे, बेस करेंसी सिंबल में आप जानते हैं आर के ऊपर, र के ऊपर ऊपर स्ट्रिक टू लाइन है, डबल ऊपर लाइन है, ये आपका करेंसी सिंबल है। और इसका करेंसी का जो फॉर्मल नेम है वो इंडियन रुपीस है स्टूडेंट्स, INR से इसको हम शो करते हैं, इंडियन रुपीस। एंटर करके आते हैं हम, लिखा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। अमाउंट के साथ यदि आप अपना सिंबल भी फिक्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा इसे नो रहन देंगे। तो हम इसे नो रहन देते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत होता है वहाँ हम उसको यूज़ कर लेते हैं। नीचे आप आते हैं, लिखा है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अमाउंट और सिंबल के बीच में आप स्पेस रखना चाहते हैं तो इसे यस करें। ग्रामर भी कहता है कि दो वर्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट यस रहता है। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं, सो अमाउंट इन मिलियंस, अपनी मुद्रा को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यस करते हैं। एंटर करके हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के कितने स्थान तक आप प्राप्त करना चाहते हैं, चूंकि अकाउंटिंग में लिखने का तरीका होता है दशमलव के दो अंक तक हम प्राप्त करते हैं। 10 रुपये 50 पैसे लिखना है तो 10 रुपये 10.50 लिखते हैं डेयर स्टूडेंट्स, तो टू डिजिट्स तक हम डेसिमल के दो प्लेस तक हम लेते हैं उनको, चूँकि वो पैसे का पैसा होता है इंडियन रुपीज़ में, रुपये और पैसे, तो दशमलव के बाद जो होता है उसे हम पैसा मानते हैं। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 कर दिया। अगला ऑप्शन यही है कि वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद का जो किस वर्ड से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम पैसे से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट जो आप वर्ड में प्रिंट करना चाहते हैं, दशमलव के दो स्थान तक का वर्ड आप लाना चाहते हैं प्रिंट में, उसके बाद जितना भी होता है उससे नहीं मतलब, लेकिन दो दशमलव के बाद दो अंक तक हम प्रिंट में लेके आते हैं, तो ये आपका कंपनी क्रिएट हो गया डियर स्टूडेंट्स। अभी मैंने सेव नहीं किया कंपनी को, मैंने सारी चीज़ें इसमें कर डाली हैं। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कंपनी क्रिएशन के अंतर्गत डाटा डायरेक्टरी जो है, डायरेक्टरी एक एग्जैक्ट पाथ है जहाँ पर आपकी कंपनी सेव होती है। नेम में हम कंपनी का नेम डालते हैं, प्राइमरी मेलिंग डिटेल जो है उसमें हम कंपनी का प्राइमरी एड्रेस डालते हैं जहाँ से हम पत्र व्यवहार कर सकते हैं, और ये एड्रेस डियर स्टूडेंट्स आपके बिल पर भी शो होता है। कंट्री का हम चुनाव करते हैं, इंडिया लिया जो कंट्री होगी उसका ऑटोमेटिक करेंसी सेलेक्टेड हो जाता है। हम स्टेट चुनेंगे जिस स्टेट में हम काम कर रहे होंगे, पिन कोड चुनेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल में फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट, ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं वो आपको डालना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे आप बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, यहाँ फाइनेंशियल ईयर का हम चुनाव करेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत हम काम कर रहे होंगे। तो अभी हम 1 अप्रैल 2020 मैंने चुना है यहाँ पर, बुक बिगिनिंग फ्रॉम मैंने जून डाल दिया है डियर स्टूडेंट्स, हम 1 अप्रैल भी रख सकते हैं, लेकिन अगर मेरी कंपनी न्यू है अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जून से तो हम वो जून की डेट डालेंगे, अन्यथा अगले बार से हमारा वही फाइनेंशियल ईयर होगा और वही बुक बिगिनिंग फ्रॉम होगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल में हम यहाँ पर पासवर्ड चुनेंगे, अगर आवश्यकता समझते हैं तो हम इसे नहीं करना चाहते हैं तो हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। एंटर करके हम बाहर आ जाएंगे। हमने यहाँ टेलीवर्ल्ट भी डाल दिया है, यहाँ एक वार्निंग भी दे रहा है कि यदि आप इसको सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो इसको भूलें ना, इसलिए आप इसको कहीं भी नोट डाउन कर लें। हाई सिक्योरिटी के लिए हम जो सिक्योरिटी कंट्रोल करते हैं जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर नेम, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड देते हैं, इसके बाद हम यहाँ इन दोनों ऑप्शंस को नो कर देते हैं, फीचर्स एंड एजुकेशनल मोड को।
बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में हम आ जाते हैं। बेस करेंसी सिंबल में हम अपना जो रुपीस का सिंबल है उसे हमने चुना। फॉर्मल नेम में इंडियन रुपीस INR चुना। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट में हमने नो कर दिया, क्योंकि हम सिंबल के साथ अमाउंट के साथ सिंबल को फिक्स नहीं करना चाहते हैं। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल ये हम करना चाहते हैं, इसलिए हमने यस कर दिया। सो अमाउंट इन मिलियंस, हमें अपनी मुद्रा को चेंज नहीं करना है, इसलिए हम इसको नो करके रख दिए हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दो स्थान तक, हम दशमलव के दो स्थान तक प्राप्त करते हैं, इसलिए मैंने दो कर दिया है, यहाँ पर टू चुन लिया है। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद का जो वर्ड किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, पैसे किसे, हम उसे पैसा मानते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, ये ऑप्शन जो है वो प्रिंटिंग के लिए दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम टू वर्ड तक कर देंगे, दशमलव के दो स्थान तक प्रिंट भी आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसको सेव करते हैं, एंटर करेंगे तो ये पूछ रहा है एक्सेप्ट, यस और नो। अगर एक्सेप्ट करना है तो आप यस करें, अन्यथा नो कर दें। आप एक बार फिर से एंटर प्रेस कर देंगे तो यस हो जाएगा, या फिर हम यस पर जाकर के क्लिक कर दें। बट हमने हाई सिक्योरिटी लगा रखा है, तो जब तक हम पासवर्ड नहीं देंगे हमारी कंपनी सेफ नहीं होगी। हमने यहाँ पर यस करा, हम एंटर भी कर सकते थे, हमने यस कर दिया, यस पर क्लिक कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं टैली वर्ल्ड पासवर्ड मांग रहा है, तो हमने डाला था 1 2 3 4, एंटर करेंगे। हमने यूजर नेम दिया था कैपिटल में KCI, आपको ध्यान रखना होगा कि हमने कैपिटल दिया है या स्मॉल दिया है, जिस तरह आपने दिया है वही आपको देना होगा। यहाँ आप हाई सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5, जो मैंने डाल रखा था, एंटर करेंगे तो हमारी कंपनी सेव हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत यहाँ हमारा करेंट पीरियड 1/4/2020 से 31/3/2021 तक का आ गया है। जो करेंट डेट है वो मंडे का है, 1 June 2020। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी के अंतर्गत है, नेम ऑफ कंपनी KCI एंड कंपनी, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, अभी कोई एंट्री कोई भी बाउचर एंटर नहीं है। इधर आप देख पा रहे होंगे गेटवे ऑफ टैली का कंपनी इन्फो ही है। नीचे सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हम स्केप करके बैक आएंगे तो हम गेटवे ऑफ टैली के मेन मेनू पर आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो अभी आप लोगों ने सीखा कंपनी बनाना सीखा, कंपनी टैली के विंडो के पार्ट्स आपने सीखा, टैली हम ओपन कैसे करते हैं ये सीखा डियर स्टूडेंट्स, टैली को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं ये आपने सीखा, टैली को क्लोज करना मैंने बताया कि स्केप एंटर करके हम क्लोज कर सकते हैं, तो हम इसको एक बार करके दिखाते हैं। स्केप करके जितने भी स्टेप हम आगे गए होंगे स्केप करके हम बैक आते जाएंगे, और लास्ट जैसे मेन विंडो पर थे हम यहाँ पर स्केप करेंगे और एंटर कर देंगे, हमारा टैली क्लोज हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का मैंने पार्ट ऑफ विंडो टैली का पार्ट ऑफ विंडो बता दिया, कंपनी क्रिएशन बता दिया, इंस्टॉलेशन बता दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, गुड डे।